स्वागत है आप सभी कास्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। 14th of April है और आज ट्यूसडे का दिन है। राहु काल का समय आज रहेगा 2:34 PM से लेकर के 4:15 PM तक का। और इसी के साथ बात होगी आप लोगों के लिए राशियों के, लेकिन राशियों की बात आज हम करेंगे आपके लिए सन ट्रांजिट के अकॉर्डिंगली। आप जानते हैं कि 14th April को इस साल का बहुत इंपॉर्टेंट सन ट्रांजिट होने जा रहा है, क्योंकि सूर्य जो है वो इस समय पर बलवान अवस्था में नहीं है। सूर्य जो है वो मीन राशि में थे, जिसकी वजह से खर मास चल रहा था, लेकिन अब सूर्य जो है मेष राशि में जा कर के उच्च के हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर इस समय की जो आप देख ही रहे हैं, जो पेंडेमिक डिजीज़ आसपास फैली हुई है, इसकी अगर हम देखें कि इसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा इस ट्रांजिट का, तो सूर्य जब बलवान अवस्था में हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं, उस समय पर जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, जितने भी इस तरह के डिजीज़ होती हैं, वो ख़त्म होती हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 14 अप्रैल के बाद से अचानक से ये डिजीज़ जो है वो गायब हो जाएगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि सूर्य जब उच्च की अवस्था में आएंगे अपनी, तो जाहिर सी बात है कि इसका असर धीरे धीरे करके आपको कम होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। तो चलिए बात करेंगे बाकी राशियों के हिसाब से भी, क्योंकि जब भी कोई ट्रांजिट होता है उसका आपके जीवन के ऊपर, आपकी राशियों के ऊपर ज़रूर प्रभाव पड़ता है। तो हम कार्ड्स के लिहाज से भी बात करेंगे और साथ ही में कि कौन से भाव में आपके लिए सूर्य गोचर करेंगे उसके हिसाब से भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एरीज के साथ। मेष राशि का आज निकल रहे हैं 5 of Pentacles एंड द टावर। तो आप लोगों के लिए जो सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है, क्योंकि मेष ही राशि में हो रहा है, तो आपका लग्न प्रभावित होगा। आपके लिए देखा जाएगा कि 14 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे करके आप अपने एक तरह से आउटलुक में सुधार महसूस करेंगे। आप अपने जीवन को एक अलग तरह से निखारने की कोशिश करेंगे। आपकी अपनी छवि के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा और हो सकता है आपके ओवरऑल ऑरा से प्रभावित होकर कई लोग आपकी तारीफ करें। सीनियर्स आपको इस अवधि में काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मेष राशि वाले लोगों के लिए ये समय पॉजिटिविटी लेकर के आ सकता है और कहीं ना कहीं पे आपको लोगों की तरफ से प्रोत्साहन ज़रूर मिलेगा, आपके काम की सराहना ज़रूर होगी। इस अवधि में आपके लिए उपाय छोटा सा रहेगा, सूर्य के मंत्रों का जाप आप लोग नियमित रूप से करें। ओम आदित्याय नमः या ओम नारायणाय नमः, इस मंत्र का जाप ज़रूर करें 108 बार। वृषभ राशि 10 of Wands एंड द मजिशियन कार्ड निकल रहा है। आप लोगों के लिए जो सन का ट्रांजिट होगा वो 12th house में होगा और इस अवधि में आपको कहीं ना कहीं पे अगर फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे तो वो इस समय पर आपके लिए खासतौर पे ट्रैवलिंग को लेकर के हो सकते हैं। आपके लिए जो जिनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है उसको लेकर के हो सकते हैं। आपको इस अवधि में कोशिश करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने करी हुई थी तो उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाएं, क्योंकि वहाँ से इस समय पर रिवर्ड बैक आना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन ट्रैवलिंग से इस अवधि में आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। आने वाला एक महीना जो है आपके जो जो डिले हो गए थे जो काम, वो इस अवधि में पूरे हो सकते हैं। जो ट्रैवलिंग्स डिले हो गई थी वो इस अवधि में पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा कहीं से कोई ऐसा पैसा आ सकता है जिसको आपने पैसा कहीं पर उधार दिया हो, वहाँ से आपको पैसा इस समय पर वापस ज़रूर मिल सकता है। तो टॉरेंस को थोड़ा सा खर्चे को लेकर के कंट्रोल में रहना है, क्योंकि 12th house है आपका व्यय का खाना है। इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो खर्चे थोड़े से एक तरह से आपके हाथ से बाहर जाते हुए लग रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं, सूर्य को जल देना आपके लिए अच्छा रहेगा और आज के दिन में सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिएगा संध्या काल के समय। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, 10 of Pentacles एंड पेज ऑफ पेंटाकल्स का निकल रहा है। जेमिनाइज के लिए ये जो ट्रांजिट रहेगा वो 11th house में रहेगा, यानी कि लाभ का भाव माना जाता है, और 11th house में आपके लिए आपको नई अपॉर्चुनिटीज दिलाएगा, नई जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स बनाएगा, व्यापार में बढ़ोतरी करवाएगा। लाभ स्थान में बैठ करके सूर्य आपको मान सम्मान जरूर दिलवाएगा। इस अवधि में सरकारी पक्ष से आपको फायदा जरूर दिलवाएगा। तो कहीं ना कहीं पे मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कोई नया काम, कोई नया सेटअप, पार्टनरशिप में कोई काम इस अवधि में आप लोग शुरू कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो जेमिनाइज इसके लिए समय अच्छा नजर आ रहा है। उपाय की बात कर लेते हैं, आप लोगों के लिए इस अवधि में कोशिश कीजिए डोनेशन जरूर दें। कोई मंदिर अगर आपको मिले वहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं, या जो नीडी लोग हैं, आपको लगता है आपके आसपास कोई डोमेस्टिक हेल्प के लिए लोग हैं, उनको आप लोग डोनेशन इस अवधि में ज़रूर दें। बात कर लेते हैं कर्ण की। कर्क राशि वाले लोगों के लिए कार्ड निकल रहे हैं पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर। आप लोगों के लिए क्योंकि 10th house यानी कि आपका कर्म का जो भाव है वो इफेक्ट हो रहा है और इस अवधि में आपकी तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी एक्सक्यूजेज नहीं चलेंगे। आपको अपने काम में, अपने कारोबार में, हर चीज़ में प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। खासतौर पर जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए कुछ फ़ायदेमंद होते हैं इस अवधि में हो सकते हैं, या फिर कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस अवधि में ज़रूर मिल सकती हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपके लिए जो एक सेटबैक वाला मोड है वो इस अवधि में नहीं आना चाहिए। जितना ज़्यादा डिप्रेस्ड रहेंगे, जितना आप काम से पीछे हटेंगे, उतनी ही चीज़ें आपके हाथ से निकलती हुई दिखाई देंगी।
इन्वेस्टमेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, आपको आने वाले समय में उसका एक रिवॉर्ड बैक जरूर मिलेगा। रिलेशनशिप्स के लिहाज से भी एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी। उपाय की बात कर लेते हैं, तो आप लोगों को इस अवधि में गुड़ का दान जरूर करना चाहिए या लाल कपड़े का दान जरूर करना चाहिए। बात करते हैं सिंह राशि, थ्री ऑफ पेंटाकल्स एंड एस ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। जो अवधि रहेगी, क्योंकि आपका नाइन्थ हाउस यानी कि आपका जो भाग्य का भाव है वो इफेक्ट होगा, और इस अवधि में आप देखेंगे कि नए प्रोस्पेक्ट्स आप लोगों के लिए ज़रूर बनेंगे, लक आपका साथ जरूर देगा, पुराना रुका हुआ काम फिर से शुरू हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल इनकम आपके लिए नज़र आएगी, जॉब के नए ऑफर्स मिल सकते हैं, रिलेशनशिप्स में लेकिन थोड़ी बहुत एक तरह से यूँ कहूँ कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ सकती हैं, तो उस फ्रंट पे थोड़ा कॉशियस रहेगा। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाग्य भाव में सूर्य का आना आपके लिए आपके जॉब में आपके बिजनेस में नए प्रॉस्पेक्ट्स ज़रूर बनाएगा। उपाय की बात कर लेते हैं, तो आप लोगों के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार नियमित रूप से जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं कन्या राशि, नाइन ऑफ कप्स एंड एट ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है। देयर इज अ विश कार्ड, बट अगेन आपके लिए जो सूर्य जो है वो अष्टम भाव में आ गया है, और एट्थ हाउस में सूर्य कहीं ना कहीं पे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है, आपके फादर के साथ रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ खराबी करवा सकता है। इनफैक्ट इस अवधि में अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहेगा, अगर कहीं पे आपका जाना होता है, ट्रैवलिंग करना होता है, उस दौरान थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस पीरियड चल रहा है, इस समय को लेकर के आप थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको सतर्कता बरतनी है। अगर मैं फिनेंशियली देखूँ तो इस अवधि में थोड़े से खर्चे ज़रूर बढ़ेंगे, जिसको कंट्रोल करना एक तरह से आपके हाथ में है, लेकिन आपके डिसीजन मेकिंग्स पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वर्गोस के लिए समय थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स लेकर के आ सकता है, कोशिश रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं, तो आप लोगों को सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करना इस अवधि में अच्छा रहेगा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों सह सूर्याय नमः, या फिर आप लोग आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जरूर करें, इससे आपका सूर्य बलवान होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। चलिए बात करते हैं तुला राशि, कार्ड निकल रहे हैं टू ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ वंड्स आप लोगों के लिए। ये जो समय रहेगा और खासतौर पे आपके लिए सेवंथ हाउस में गोचर करेगा, दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें बढ़ सकती हैं, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो सकती है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन खासतौर पे आपके लिए मान सम्मान को लेकर के आपको ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, चाहे वो रिलेटिव्स के बीच में हो, चाहे आपकी फैमिली के साथ हो, थोड़ा सा कंसर्न रहिए अपनी इमोशंस को लेकर के। इसके अलावा फिनेंशियली आप ग्रो करेंगे, लेकिन अगर खासतौर पे अगर बात करूँ कि किसी के साथ कोलैबोरेशन में, किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम करना है, तो उसमें थोड़ा सा लड़ाई झगड़े को अवॉइड कीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं, तो आप लोगों के लिए इस समय पर कोशिश कीजिएगा, आप लोग खासतौर पे आज के दिन में आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करें, और आज के दिन से शुरू करके हर ट्यूसडे और हर सैटरडे को आपको ये पाठ करना है। चलिए बात करते हैं अब स्कॉर्पियोज की, स्कॉर्पियोज के लिए कार्ड्स निकल रहे हैं किंग ऑफ सॉल्ट एंड फोर ऑफ सॉल्ट। सो देर इज़ अ हॉल्ट पीरियड कार्ड्स के लिहाज से, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके लिए आप कौन से भाव में गोचर करेगा, तो सिक्स हाउस में गोचर करेगा सूर्य, जो कि आपके शत्रु पक्ष को प्रभावहीन कर देगा। इस अवधि में हो सकता है शत्रु जो हैं आपके जो जो लोग हैं आसपास हैं, जो कि आपसे कहीं ना कहीं पे जेलस हैं, वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि शत्रु पक्ष प्रभावहीन हो जाएगा। इस अवधि में जितना हो सकता है आपका इम्पैक्ट बढ़ेगा लोगों के ऊपर, आपकी बोलचाल का इम्पैक्ट बढ़ेगा, और आपकी बातों की सराहना इस अवधि में हो सकती है। कोशिश करनी चाहिए आपको, जो भी डीलिंग्स आप लोगों के साथ करते हैं उसे थोड़ा सा एक तरह से अपफ्रंट होकर के कीजिएगा, और ख़ास तौर पे अपनी बातों को सहजता से करने की कोशिश कीजिएगा। स्कॉर्पियो उसके लिए सब अवधि में लैवेंडर एसेंस का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा। बात करते हैं अब सैजिटेरियंस की, धनु राशि, सिक्स ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड निकल रहा है आपके लिए। ये जो अवधि रहेगी थोड़ी कन्फ्यूजन्स लेकर के ज़रूर आ सकती है, पंचम भाव में गोचर है, और फिफ्थ हाउस एडुकेशन का भी माना जाता है, संतान का भी माना जाता है। इस अवधि में संतान की तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपके एडुकेशन में जो डिफ़िकल्टीज आ रही थी, जो भी दिक्कतें आ रही थी, वो ख़त्म हो सकती हैं। ट्रैवलिंग जो रुक गई थी किसी कारणवश और ख़ासतौर पर समय की वजह से, ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इनफैक्ट कुछ ना कुछ अच्छी खबर आपको मिड ऑफ दिस ट्रांजिट ज़रूर मिलेगी। बात कर लेते हैं उपाय की, तो आप लोगों को लाल चंदन से मस्तक पर तिलक लगाना अच्छा रहेगा, और खासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, इस अवधि में सरस्वती मंत्र की आराधना ज़रूर करें, ओम ऐं नमः सरस्वती मंत्र का जाप ज़रूर करें, और माँ सरस्वती की आराधना ज़रूर करें।
चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि, कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए द डेविल एंड द नाइट ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न्स जो हैं उनके लिए ये जो ट्रांजिट होगा वो फोर्थ हाउस में होगा, माता का भाव है, सुख का भाव भी माना जाता है, और इस अवधि में लोग जिस तरह से आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, ये टाइमिंग ऐसा रहेगा कि आपके मदर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। हालांकि उनकी सेहत में सुधार आएगा लेकिन उतनी जल्दी नहीं जितना आप सोच रहे हैं, जितना आप उम्मीद कर रहे हैं। दूसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपने इमोशंस को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। कोई आपको ऐसी बात नहीं कह दे या आप किसी की बातों से इतना ज़्यादा हर्ट नहीं हो जाएं कि अपने काम पर उसका इफेक्ट डालें आप, तो इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। अगर ओवरऑल देखूं तो सुख का भाव है कहीं ना कहीं पे आपके लिए, आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा लेकिन साथ ही साथ में सेहत में भी सुधार दिखाई देगा। उपाय की बात कर लेते हैं तो आप लोगों को लाल पुष्प पानी में डाल करके स्नान करना इस हफ्ते में अच्छा रहेगा, स्ट्रेस एंग्जाइटी खत्म। क्वेरेंस की बात कर लेते हैं, कुंभ राशि सेवन ऑफ वॉन्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स का निकल रहा है। तो कुंभ राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए अगर देखा जाए तो थर्ड हाउस में ही गोचर रहेगा, और थर्ड हाउस में गोचर कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे पराक्रम भाव माना जाता है, तो पराक्रम में वृद्धि करवाएगा क्योंकि सूर्य आ गया है उसमें। और ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि इस अवधि में आप जो भी काम करेंगे उसमें एक रिस्क वाला फैक्टर जो है वो रहेगा, लेकिन प्रॉफिट आपको ज़रूर होगा, कहीं से कोई पैसा आपको वापस मिल सकता है, किसी के साथ कोई डील बन सकती है, इस तरह की चीज़ें जो है इस अवधि में ज़रूर होंगी। उपाय की बात कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए इस अवधि में सूर्य की उपासना कीजिएगा ज़रूर, तांबे के लोटे से सूर्य को जल देना है और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल करके आपको जल देना है। बात करते हैं अब मीन राशि, कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए फाइव ऑफ कप्स एंड जस्टिस, सेकंड हाउस में गोचर रहेगा आपके लिए, और इस अवधि में कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे नए प्रोस्पेक्ट्स तो आपके बनेंगे लेकिन जितनी ज़्यादा डिलेज आप करेंगे डिसीजन मेकिंग करने में उतनी ही चीज़ें आपके लिए मुश्किल पैदा करती चली जाएंगी। तो ज़रूरी है आप एक तो डिलेज करने से बचें इस अवधि में, कोशिश कीजिएगा अपनी बातों को, अपनी पर्सनल बातों को किसी और के साथ आप लोग शेयर नहीं करें। दूसरी चीज़ अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं तो नमक आपको अपने घर के वॉशरूम्स में भर के रखना है, अच्छा रहेगा। और इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो।